तो कुछ ही दिनों पहले हमारे 8 मिलियन हुए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे थे बैज भाई कुछ तो स्पेशल वीडियो डालो, और बहुत लोग ऐसे भी कह रहे थे बैज भाई कम से कम आप अपना रूम टूर तो कर दो एक बार अच्छे से। वैसे मेरा रूम तो आप लोगों ने देख ही लिया था पुरानी एक वीडियो में, फिर मैं सोचा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते अच्छे से दिखाएंगे एक एक चीज, क्योंकि मेरा रूम बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एडवांस है। आओ साथ में देखते हैं। तो जैसे ही मेरा कमरा शुरू होता है आपको इस पहले कमरे में दो चीजें देखने को मिलेगी, एक ये जादुई चारपाई और एक ये तो नेक्स्ट लेवल लेजेंड है। दोनों के बारे में बताता हूँ, ये इसलिए खास है क्योंकि ये इतना फ्यूचरिस्टिक है, इसमें सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं आती है बल्कि और भी कई सारी चीजों में काम आ जाता है। अभी हाल ही में तो मेरा दोस्त ले गया था चारपाई को फोल्ड करके दिवाली में पटाखे बेचने के लिए, कमाल का धंधा किया उसने भाई साहब। और एक डब्बा फुलझड़ी मुझे फ्री में मिली वो अलग, इसीलिए तो ये जादुई है। बाकी इन भाई साहब की तो क्या ही तारीफ करे, जब ये भाई साहब मेरे पास नहीं थे वीडियो बनाने वक्त लाइट बाय बाय कहती थी और मेरी सारी वीडियो करप्ट हो जाती थी। फिर जब ये भाई साहब मेरे घर में पधारे सारी टेंशन ही दूर हो गई। इसने मुझसे बोला बाबा टेंशन वेंशन नहीं लेने का, अभी सारा टेंशन लेने का काम मेरा, तू सिर्फ झमा जाऊ वीडियो बनाने का, समझा गया? आई ला सपात। मैंने कहा ये सही सीन है, अब तो अगर पूरे शहर में भी लाइट चले जाए ना तो मेरा घर दिवाली के दिए की तरह जगमगाता रहता लगातार 3 दिन तक। अब अगर लोगों के घर में लाइट जाती है तो मैं घर में डीजे बजाता हूँ। अब इसे डीजे से याद आया, ये मेरा दूसरा कमरा है जिसमें मैं सारी चीजें रखता हूँ। वैसे ज्यादातर मैं इसी कमरे में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ रात को। इस कमरे को हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, गेमिंग रूम, ऑफिस रूम, सेटअप रूम, कुछ भी कह सकते हैं इसको। मेरा तो सब कुछ इधर ही चलता है, खाना पीना गेमिंग डीजे सब कुछ इधर ही चलता है। हाँ वैसे डीजे से याद आया, डीजे तो मैंने भी जाता पर हाँ ये कमाल का छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है जो मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी इसमें गाने सुन लिया करता हूँ। और ये फ्री फायर की कैप है, फ्री फायर से मुझे मिली थी, लास्ट टाइम कब पहना था मैंने मुझे याद नहीं है। और ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। इस जादुई वस्तु को तो आप लोग जानते होंगे, चलो आपको खोल कर दिखा देता हूँ। और क्या दिखा सकते हैं, चलो इसको देख लो। ये मेरा प्राइवेट जेट की चाबी है जो इस वक्त छत में है, ये ब्रश है और ये नेल कटर। वैसे नेल कटर वगैरह क्यों दिखा रहा हूँ मैं? भगवान, आप लोग सोच रहे होगे ये गेमिंग रूम है, बट नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्पोर्ट्स रूम भी है, ये देखो डंबल बॉडी शॉडी, बाबा बॉडी शॉडी बनाने का, स्पोर्ट्स जूता पहन के दौड़ लगाने का, समझा गया? अहिला सपत। बस आई होप कि आप लोगों ने ये ना देखा हो वरना लोगों को पता चल जाता जब से मैंने इसको खरीदा तब से यूज नहीं किया। भगवान जी आज बचा लेना, कल से रोज सुबह दौड़ने जाऊंगा पक्का। तो चलो दोस्तों और देखते हैं हमारे कमरे में क्या क्या है जिसे हम देख सकते हैं। वो जो आपको सामने फ्यूचरिस्टिक अलमारी दिख रही है ना, उसके अंदर मैं अपने इलाइट पास, गन स्किन, रेड किमन ड्रेस, हर एक चीज इसके अंदर संभाल कर रखता हूँ, मेरा मतलब छिपा के रखता हूँ। अब अगर कुर्सी घुमाई दी तो उसमें बैठ भी जाते हैं। और ये रहा हमारा पीछे किचन जहाँ पे मैं खाना बनाता हूँ। और ये तीसरा कमरा इतना फ्यूचरिस्टिक है जो देखने में पूरा कमरा लगता है पर एक्चुअल में ये गैस से बना हुआ है, जुपिटर की तरह, इसमें हम कुछ भी नहीं रख सकते। अब चलो वापस से हम लोग अपने गेमिंग सेटअप में विराजमान हो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये वो धातु है जिसकी मदद से मैं सारी चीजें सुनता हूँ बहुत ही आराम से, पर मुझे ना ये बहुत ही भारी लगता है, काश मैंने कोई हल्का वाला हेडफोन लिया होता। अब हम बात करते हैं इस फ्यूचरिस्टिक माइक की, जिसका नाम तो ब्लू यटी है पर जिसका एक्चुअल रंग काला है, ब्लैक। माइक वैसे A1 क्लास है, सस्ता भी है और बहुत अच्छी आवाज भी रिकॉर्ड कर लेता है ना ब्लैक यटी, मेरा मतलब ब्लू यटी। बाकी हम अपने वायर मैनेजमेंट की तो क्या ही बात करें, कमाल की इतना फ्यूचरिस्टिक सेटअप है ना ये। वैसे मैं इसको और इसको वायरलेस कर सकता था पर यार उसमें मुझे मजा नहीं आता, उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है ना, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो बस अपना खेलते रहो। और ये है सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक CPU, पूरे इंडिया में ये सिर्फ एक पीस है, इतनी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी वाला PC आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। आम आदमी के लिए बना ही नहीं, आम आदमी इसको चला ही नहीं सकता है, मेरा जब तक इसमें फिंगरप्रिंट ना लगे ना तब तक ये ऑन ही नहीं होता है। जी हाँ फिंगरप्रिंट से ये चलता है, अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। इतनी कमाल की चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है और साथ में वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा ही देना अगर अभी तक दबाया नहीं है तो। और दिखाने के लिए कुछ है नहीं वैसे इसके अंदर। ओह चलो इनको भी आप लोगों को अब मैं दिखाई देता हूँ, आ जाओ भाई तुम सब लोग। और इन भाई साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था अपने कैमरे वाली वीडियो में, Poco F1। जी हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग सरप्राइज्ड हो गए होंगे कि भाई ये अभी तक चल रहा है, पर बरखुरदार आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये अभी भी चलता नहीं है, दौड़ता है भाई साहब और वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसीलिए तो लोग आज भी Poco F1 को खरीदते हैं। इतना पुराना फोन उस जमाने में इतना एडवांस प्रोसेसर वाला था, इसीलिए तो आज की डेट में भी ये टिका हुआ है मार्केट में। दिखने में हालत पूरी पंक्चर हो गई है, स्क्रीन में इतने सारी दरारें हैं कि बस एक वाटर पंप लगाने की देरी है इसमें, उसके बाद मेरे पूरे घर में इसी से वाटर सप्लाई होगी। देखा कितनी फ्यूचरिस्टिक चीजें मेरे पास रहती है। एक मिनट, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा।
ओ छोटू। हाँ भैया। ऑनलाइन वाटर पंप ऑर्डर कर दे, आज से पानी की दिक्कत नहीं है। जी भैया। और सुन, आसपास पड़ोसियों को भी बता दे कि अपने घर से वाटर सप्लाई बंद करवा दे, आज से भरत भाई सबके घर में पानी देंगे। ओह माय गॉड। तो ये था दोस्तों मेरा पोको F1, जो कि अभी भी मैं यूज करता हूँ, अभी भी झमाझम चलता है बाबा। इसके बाद इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे। Hi guys, what's up? 12 Pro Max मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको दिखाया था। आप लोग कह रहे थे भरत भाई यार इसको कुछ काम तो है नहीं, तो आप इसको रखते क्यों? दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका काम है। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मेरा फेस ढूंढना बंद करो। बाबा अपन फुल सेफ्टी के साथ चलता है, बोले तो जेट प्लस सिक्योरिटी, आई सपात। तो मैं आपको आईफोन के काम के बारे में बताने वाला था। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम है। इसका काम है डब्बे में पड़े रहने का मेरे भाई। और फिर शाहरुख खान ने भी तो कहा था, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो इस आईफोन का धर्म यही है, डब्बे में पड़े रहने का। आखिर ये भी अपने आप में एक धंधा है भाई। और आखिर फोन मेरा बस था MI 11 अल्ट्रा, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो तो। इस वक्त मैं पूरी वीडियो इसी के कैमरे से बना रहा हूँ। आईफोन भी वैसे अच्छा है, पर आईफोन ना एक बंद कमरे की तरह है और एंड्रॉइड ओपन वर्ल्ड की तरह है, इसलिए मुझे एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है आईफोन से। आप लोग सोच रहे होंगे बैज भाई आप तीन तीन फोन से क्या करते हो? MI वाले फोन पे मैं मूवीज वेब सीरीज देखता हूँ और आईफोन अपने धंधे में बिजी रहता है, और पोको F1 तो 24/7। और अब आखिर में अगर कुछ रह जाता तो वो है ये सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर का अल्ट्रा प्रो मैक्स वेरिएंट है। इसको स्टार्ट करके दिखाना तो मैं आपको भूल ही गया। आपने उसे देखा होगा नॉर्मली लोगों के पीसी कैसे स्टार्ट होता है, पावर बटन से, पर इसमें पावर बटन काम नहीं करता है, ये थोड़ा एडवांस है। इसमें डायरेक्ट मदरबोर्ड को जाके बोलना पड़ता है, माते वॉइस कमांड देनी पड़ेगी। देखो ऐसे सबसे पहले बोलना है माते, क्योंकि सारा सिस्टम कौन रन करता है, मदरबोर्ड। तो मदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। बाकी अगर बोर्ड की आपको हिंदी में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मदर से काम चल जाएगा। आपको बोलना है माते, देखो लाइट चालू हो गई। और उसके बाद आपको ये बुलेट प्रूफ ग्लास हटाना है। अब इसके बाद आपने मुझे फिंगरप्रिंट लगाना है अंदर मदरबोर्ड पे, और बस अपना पीसी चालू। देखा कितना एडवांस फ्यूचरिस्टिक पीसी है मेरे पास। ये देखो स्टार्ट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस मुझे इतना एडवांस पीसी मिला कहाँ से? कई लोग तो सोच रहे होंगे कि मैंने बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाया है, लेकिन नहीं भाई, ये दो इंडियंस ही थे जिन्होंने ये बनाया है। अब देखो इस सुपर कंप्यूटर की स्टोरी ये है, पूरा गेमिंग पीसी मैंने फर्स्ट टाइम जब बनवाया था तो उस वक्त मेरा पीसी सबकी तरह नॉर्मल था। फिर बाद में जब मैंने इसको अपग्रेड करने की सोची, मैंने नया प्रोसेसर और नई मदरबोर्ड खरीदी, तो पूरा पीसी मुझे खोलना पड़ता, असेंबल करना तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें लिक्विड कूलिंग CPU कूलर भी ऐड करा हुआ है और उसको बहुत ही आराम से लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो पूरा प्रोसेसर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी किसी एक्सपर्ट की जिसे पीसी असेंबल करना आता हो। बस फिर मैं निकल पड़ा सेम हनुमान जी की तरह संजीवनी भूटी की तलाश में, जो मेरे पीसी को असेंबल कर सके। और ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया नैनीताल। पहले तो मुझे कोई मिला ही नहीं है इतनी आसानी से। फिर नैनीताल में मुझे एक दुकान मिली जहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले पीसी एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला मेरे पास एक गेमिंग पीसी है, उसको अपग्रेड करना है, पीसी को असेंबल करना है। उसने बोला बस इतनी सी बात हो जाएगा। अब उसकी दुकान से मेरे घर तक का जो रास्ता था, हम लोग साथ में ही आए। इस रास्ते के बीच में वो अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा था, जिससे मुझे पता चला कि ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वो बोल रहा था कि उसने 5 लाख का भी पीसी असेंबल करा हुआ है। फिर मैंने मन ही मन बोला बाप रे। फिर मैंने उसको बताया भाई मेरा लिक्विड कूलर है, उसको आराम से लगाना है, बाकी तो मैं खुद ही सेटअप कर लेता। फिर वो बोला अरे भाई तुम टेंशन मत लो, टेंशन लेना काम मेरा है। फिर मैंने कहा वाह भाई ये तो बड़ा एक्सपर्ट है। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे उसने पीसी देखा और उसके बाद उसको खोलना शुरू करा। और उसके बाद जैसे ही नए पार्ट्स इंस्टॉल करने की बारी आई, 2 मिनट के लिए तो अपना सर पकड़ के बैठ गया था। फिर मैंने पूछा भाई सब क्या हुआ? बोला कुछ नहीं चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद सबसे पहले उसने अपना मोबाइल निकाला, उसके बाद YouTube में सर्च मारा हाउ टू असेंबल अ PC। मैंने कहा भाई ये तू क्या कर रही है, तो मैं भी कर सकता था। दोबारा वो बोला अरे भाई तुम टेंशन मत दो, टेंशन लेने का काम मेरा है। जैसे उसने मेरा PC तैयार करा, मैंने पावर बटन दबाया तो कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया, बट उसके फैंस घूम ही नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया तूने? फिर उसने दोबारा पूरा PC खोला, उसने भी 2-3 तार इधर उधर करे। फिर दोबारा मैंने पावर बटन दबाया तो इस बार फैंस तो घूम रहे थे, पर जितनी भी ये लाइटनिंग थी वो सारी गायब हो गई। मैंने बोला यार LED भी जला दो, तभी तो असली मजा है गेमिंग PC का। फिर वो बोला सॉरी भाई अपने से मिस्टेक हो गया भाई। फिर उसने दोबारा से अपना PC खोला और ये सब करते करते पूरी रात के 8 बज गए थे। फिर मैंने बोला भाई ऐसे तो तू घर नहीं जा सकता, तुझे इसको बनाना ही पड़ेगा PC। और तब जाके इन्वेंशन हुआ ये सुपर कंप्यूटर का, तब से ये ऐसे ही चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई आपने तब से इसको ठीक क्यों नहीं करा? ठीक वैसे मैं इसको आराम से करवा सकता हूँ अब, लेकिन फिर मुझे अब इतना सुपर एडवांस कंप्यूटर कहाँ मिलेगा? इसलिए मैंने सोचा है जब नेक्स्ट टाइम मैं अपना PC अपग्रेड करूंगा तब इसको बढ़िया करके बनाएंगे एकदम A1 क्लास। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरे मकान मालिक इनका 2 बार सुबह से फोन हो गया कि भाई किराया दे दो। अब मुझे जाना है किराया देने, बाय।